ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स के सिडनी में कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का एक केस आने कारण न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने अज ही सिडनी में हदायत जारी कर दिती ने जो कि अज शाम 6 बजे तो शुरू होणगियां अते 3 दिनां लई न्यू साउथ वेल्स दे लोकां लई जारी रहणगियां। दस दईए कि सिडनी दे ईस्टर्न सबर्ब्स दे विच एक 45 साला औरत कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उधर क्वींसलैंड दे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जेकर क्वींसलैंड दा कोई व्यक्ति उन्हां इलाकियां विच सी तां फिलहाल क्वींसलैंड आउण दा प्लान कैंसल कर देण। उन्हां कहा कि साडे कोल पुलिस अते हेल्थ वर्कर्स आ रहे ने सो असी मेक श्योर करना चाहुंदे आ कि ओह उन्हां इलाकियां विच ना गए होण। उन्हां कहा कि क्वींसलैंड नूं कोरोना मुक्त बनाउणा साडा पहला फर्ज है सो असी इस टाइम सेंसिबल रिस्ट्रिक्शंस लाउण लई मजबूर आ। उन्हां जोर दे के कहा कि जेकर कोई उस इलाके विच है ते बीमार महसूस कर रहा है तां कृपा करके अपने टेस्ट जरूर करवाए अते जो भी व्यक्ति न्यू साउथ वेल्स खास करके उन्हां इलाकियां तों क्वींसलैंड आ रहा है उस नूं कल तों 1 बजे तों बाद जरूरी होटल क्वारंटीन होना पवेगा। सिडनी विच जो हदायतां जारी कीतीआं गईआं ने ओह इह ने। इंडोर अक्रॉस ग्रेटर सिडनी विच मास्क पाउणे जरूरी कर दिते गए ने। घर विच 20 लोकां तों वध दी शमूलियत नहीं हो सकती। इन्हां विच बच्चे भी शामिल ने। कोई सिंगिंग जां डांसिंग लई इंडोर विच भी 20 लोकां तों वध दी शमूलियत नहीं हो सकती। पब्स एंड क्लब्स हॉस्पिटैलिटी विच खड़ के ड्रिंक नहीं कर सकदे हो। एज केयर फैसिलिटीज दे विच सिर्फ 2 लोग ही विजिट कर सकदे ने। सो फिलहाल सिडनी दे विच इह हदायतां 3 दिनां लई जारी कीतीआं गईआं ने। उस तों बाद की नतीजे अते की डिसीजनस अते नतीजे आउणगे इह आउण वाला समां दस्सेगा।